नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और आइए खबरों की शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। रायसेन में खुलेगा इंजीनियरिंग कॉलेज। तेंदुपत्ता संग्राहक एवं असंगठित श्रमिक सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा, साथ ही हितग्राहियों को हितलाभ किए वितरित। राजधानी भोपाल के सुभाष नगर में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने किया निरीक्षण। और 1 जुलाई से खिलाड़ियों को मिलेगा अपग्रेडेड डाइट। खेल और युवा कल्याण के सीएसवीएल कांताराम ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को रायसेन में तेंदुपत्ता संग्राहक एवं असंगठित श्रमिक सम्मेलन में हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के गरीब और मेहनतकश लोगों के जीवन को खुशहाल बनाना ही राज्य सरकार का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना गरीबों और मेहनतकश लोगों के विकास के लिए बनाई है। इस योजना में पात्र पंजीकृत हितग्राहियों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि रायसेन में सर्व सुविधा युक्त इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर 172 करोड़ लागत के विकास और निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री करियर काउंसलिंग पहल हम छू लेंगे आसमां का दूसरा चरण 8 जून से 15 जून तक होगा। इसमें साल 2017-18 की 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण 70% तक अंक पाने वाले सभी विद्यार्थियों को विशेष करियर काउंसलिंग दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग के लिए चयनित 257 केंद्रों की सूची जारी की है। वहीं भोपाल में 6 महाविद्यालयों में काउंसलिंग होगी। 1 जुलाई से खिलाड़ियों को अपग्रेडेड डाइट दिया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव वीएल कांताराव ने इसके निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव राव शनिवार को विभागीय योजनाओं और खेल गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने खेलों के स्वरूप में हो रहे बदलाव के अनुसार विभागीय संरचना में परिवर्तन की आवश्यकता बताई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन परिसर में आयोजित प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश के पवेलियन का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश में नर्मदा सेवा यात्रा, इंदौर और भोपाल को लगातार प्रथम और द्वितीय स्वच्छता पुरस्कार और प्लास्टिक प्रतिबंध के उत्कृष्ट प्रदर्शन की डॉक्टर हर्षवर्धन ने सराहना की। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने विश्व पर्यावरण दिवस आयोजन की जिम्मेदारी इस वर्ष भारत को सौंपी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।